हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे डेली की तरह। आज हमारा ये पार्ट थर्ड होने वाला है कंप्यूटर पे, ठीक है, जिसमें हमने डेली एमसीक्यू सेशन यहाँ पे लाते हैं और इसमें हमने टारगेट रखा है 200 एमसीक्यूज को कवर करने का, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज से पहले JKSSB ने पूछे या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं कंप्यूटर के रिलेटेड। ओके, तो इसमें आपको 10 क्वेश्चन डेली के रहने वाले हैं और ये 10 क्वेश्चन एज अ मॉक टेस्ट लिए जाते हैं। आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, पहले आंसर देना है और वीडियो के एंड पे आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर ठीक किए आउट ऑफ 10 वो आपने मेंशन करना है, ठीक है। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ये आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है, यहाँ आपको एग्ज़ाम के रिलेटेड हर एक चीज़ यहाँ पर ऑथेंटिक वे में मिलती रहती है, ठीक है। ओके, टेलीग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में, उसको जाके ज्वाइन कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें, आज हमारा जो क्वेश्चन है वो 21 से स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि इससे पहले जो हमने 3 पार्ट लाए थे उसमें हमने कवर कर दिए, 2 पार्ट लाए थे उसमें हमने 20 क्वेश्चन वहाँ पे कवर कर दिए थे 10-10 करके, और ये हमारे पास थर्ड पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच इज़ द पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर दैट वन कैन टच एंड फील। अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है पर एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम्स, आउटपुट। आपसे सिंपल वे में पूछा गया है कि कौन सा पार्ट है कंप्यूटर का जिसको हम टच कर सकते हैं एंड फील कर सकते हैं। बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे रहने वाला है द पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर दैट यू कैन एक्चुअली टच, जिसे आप टच कर सकते हैं, कोई भी पार्ट कंप्यूटर का, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। तो ये आपने याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा। इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर ए, आप सब ने सही आंसर दिया होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर था। देखिए, आपने यहाँ पे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टॉपिक पढ़ा होगा, हार्डवेयर के अंदर ही आपने इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस पढ़ी होंगी। मैंने भी इस पे लेक्चर लाया था पूरा, मैराथन सेशन, अगर आपने नहीं देखा हुआ प्लेलिस्ट में जाना कंप्यूटर की प्लेलिस्ट में, वहाँ पे एमसीक्यूज फॉर्म में आपको मिल जाएगा। लेकिन मैंने हर एक चीज़ को डिटेल में वहाँ पर कवर किया है और पूरा टॉपिक मतलब आपका कंप्लीट हो जाएगा, कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। विच ऑफ दीज पावर पॉइंट फीचर्स वुड अलो एनी यूज़र टू क्रिएट ए गिवन सिंपल प्रेजेंटेशन क्विकर। आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा पावर पॉइंट फीचर है वुड अलो एनी यूज़र टू क्रिएट ए गिवन सिंपल प्रेजेंटेशन क्विकर। ऑप्शन एनिमेशन, चार्ट विजार्ड्स, ट्रांजिशन विजार्ड्स, ऑटो कंटेंट विजार्ड। बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आप सब ने इस क्वेश्चन का आंसर चूज़ कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ऑटो कंटेंट विजार्ड। ओके, आपने याद रखना है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ये आपने याद रख लेना है। ये क्या होता है, ये एक हैंडी टूल होता है जो अलोज करता है अस टू क्रिएट ए प्रेजेंटेशन क्विकली। ठीक है, क्विकली हम क्या कर सकते हैं, कोई प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हैं और ये हमें प्रोवाइड्स कर देता है 8 से लगभग 12 स्लाइड्स वी कैन कस्टमाइज बाई एडिंग आवर ऑन पिक्चर एंड टेक्स्ट, जिसमें हम कर सकते हैं। तो ये आपने याद रखना है, ऑटो कंटेंट विजार्ड इंपॉर्टेंट था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया आपसे, पुटिंग फाइल्स टू द सर्वर फ्रॉम द कंप्यूटर इज़, कि जो पुटिंग की जाती है फाइल्स टू द सर्वर फ्रॉम द कंप्यूटर से, वो क्या होती हैं? डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, ट्रैशिंग, ट्रांसफरिंग। बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आपने इस क्वेश्चन का आंसर भी चूज़ कर लिया होगा, ईजी सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पर अपलोडिंग। ओके, अपलोडिंग इसका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अपलोडिंग क्या होता है? अपलोडिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ पुटिंग वेब पेज, ठीक है, इमेज एंड फाइल्स ऑन ए वेब सर्वर। ओके, ये आपने याद रखना है। और डाउनलोडिंग क्या होता है? डाउनलोडिंग की बात करें तो डाउनलोडिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग वेब पेज, इमेज एंड फाइल्स फ्रॉम ए वेब सर्वर। के आप जब क्या कहते हैं, गेटिंग करते हैं वेब पेज को, इमेज को एंड फाइल्स को एक वेब सर्वर से। फिर ठीक है, ट्रांसफरिंग क्या होता है? ट्रांसफरिंग ए फाइल इज़ द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग और मूविंग करना। इसका मतलब क्या होता है? ट्रांसफरिंग ए फाइल इज़ द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग और मूविंग ए फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर आवर ए नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्शन। तो ये आपने याद रख लेना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, ए टर्म इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इज चेंजिंग इन टेक्नोलॉजी अ कंप्यूटर इज वॉज बींग यूज। बताएं ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। डेवलपमेंट, जनरेशन, एडवांसमेंट, ग्रोथ। पूछा गया है कि ए टर्म इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इज़ ए चेंज इन टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाना या फिर कंप्यूटर इज़ वॉज बींग यूज, तो ये किस तरह से होगा? डेवलपमेंट होगा, जनरेशन होगा, एडवांसमेंट होगा, ग्रोथ होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर चूज़ करें ज़रा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जनरेशन, ठीक है। जो आप कंप्यूटर जनरेशन पढ़ते हैं ना, वही इसका ये करेक्ट आंसर है।
ए कंप्यूटर जनरेशन इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी ए चेंज इन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर वाज बीइंग यूज्ड। तो ये आपने याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी आपने सही इसका आंसर दिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, डियर एस्पिरेंट्स हमारे सामने भी, द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉइंटिंग डिवाइस। आपसे पूछा गया है, यहाँ पे क्वेश्चन को समझना है, आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, डिजिटाइजर। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बताएं ज़रा इसका आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास डिजिटाइजर। क्या है डिजिटाइजर? डिजिटाइजर क्या होता है? डिजिटाइजर हमारे पास एक इनपुट डिवाइस तो है, लेकिन ये एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस तो ये है, लेकिन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, ये कन्वर्ट करती है एनालॉग इन्फॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्मेशन में। तो ये आपने याद रखना है डिजिटाइजर के बारे में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सीपीयू? ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। टू डिस्प्ले इमेज ऑन द स्क्रीन, टू स्टोर डेटा परमानेंटली, टू प्रोसेस डेटा एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस, टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। प्राइमरी फंक्शन आपसे सीपीयू का पूछा है, बताएं क्या होगा। सीपीयू क्या होता है? सीपीयू हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जिसे आप ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। बताएं ज़रा फंक्शन क्या है इसका। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टू प्रोसेस डेटा एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस। देखें, आपने वीडियो को पॉज करके आंसर देना है, नोटबुक पास रखा करें, कितने क्वेश्चन ठीक करते हैं वो आपने कमेंट बॉक्स में बताने हैं। टू प्रोसेस डेटा एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, ये इसका प्राइमरी फंक्शन होता है सीपीयू का। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन पूछा गया आपसे यहाँ पे, स्विच टू द प्रीवियस टैब इन ए डायलॉग बॉक्स यूज डैश। कि आप जब स्विच करते हैं प्रीवियस हमारे पास टैब में डायलॉग बॉक्स में, आप किस की का यूज़ करते हैं? अल्ट प्लस टैब का, शिफ्ट प्लस टैब का, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब का, या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब का? क्वेश्चन नंबर 27 क्या होगा आंसर, जल्दी से बताएं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब। स्विच टू प्रीवियस टैब इन ए डायलॉग बॉक्स यूज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब का हम यूज़ करते हैं। तो ये आपने याद रखना है, क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स ईमेल फैसिलिटी अमॉन्ग डिफरेंट होस्ट्स? ऑप्शन आपके सामने FTP, SMTP, Telnet, SNMP। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज कर लिया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है SMTP। ठीक है, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ओके, ये प्रोटोकॉल जो है ये प्रोवाइड करती है ईमेल फैसिलिटी अमंग डिफरेंट होस्ट। तो आपने ये सही किया होगा। आज की इस वीडियो में हमारे 8 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछा गया, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे आज के सेशन में, बताएं फिफ्थ कंप्यूटर जनरेशन जो है, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर ये किस पे बेस्ड है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रोग्रामिंग इंटेलिजेंस, सिस्टम नॉलेज, VVLSI, बताएं ज़रा क्या आंसर होगा। तो आपने चूज़ कर लिया होगा इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन नंबर ए। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI पे बेस्ड है हमारे पास फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल? इनमें से कौन सी नॉन वोलाटाइल मेमोरी है? SRAM है, DRAM है, ROM है, या ऑल ऑफ द अबो? जल्दी से बता दें इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसके आंसर बताने से पहले, अगर आपने JKSSB फीमेल सुपरवाइजर एग्ज़ाम के लिए अभी तक मॉक टेस्ट सीरीज नहीं लिए हुए तो वो ले लेना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, उसमें 26 टेस्ट होंगे आपको, 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे, 6 उसमें फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे, और 20 सेक्शनल होंगे, और टोटल इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ी है 149 रुपीज़। ठीक है, आपके ऑलमोस्ट लगभग 2000 MCQs इसमें से कंप्लीट हो जाएंगे। अगर किसी को लेने हैं ये, तो आप हमें 8492886188 पर मैसेज कर सकते हैं। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज़ नॉन वोलेटाइल? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास रूम। रूम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, ये आपने याद रखना है। रूम क्या है? एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी, इंक्लूड रीड ओनली मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, फेरो इलेक्ट्रिक, मोस्ट टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस। तो आपने याद रखना है ऑप्शन नंबर सी इसका क्या था, ये हमारे पास क्या होती है, एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। तो आपने याद रखना है। आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दें आज की इस वीडियो में, और वीडियो कैसा लगा वो भी आपने बताना है। बाकी लेक्चर नहीं मिस करना, जम्मू एंड कश्मीर GK पे भी लाए हैं, डेमोग्राफी का आज ही कंप्लीट किया मैंने मैराथन सेशन, जम्मू एंड कश्मीर करंट अफेयर कल कंप्लीट की थी, स्पेशलाइजेशन के सभी चैप्टर्स के लेक्चर पड़े हुए हैं। फर्स्ट के बाद हम फिर कंटिन्यू करेंगे सेकंड यूनिट को, तो ये आपने बातें दिमाग में रखनी है। ओके, आज की वीडियो के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ कल। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।